12 रन की पारी खेलकर हिटमैन रोहित शर्मा ने रच दिया इतिहास, बना दिए ये महारिकॉर्ड। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मोहाली में खेले गए एक दूसरे T20 में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की है। इस मैच में विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 149 रन बनाए। 150 रनों के लक्ष्य का पीछा करती उतरी भारतीय टीम को शिखर धवन और रोहित शर्मा ने शानदार शुरुआत दी। रोहित ने पारी की शुरुआत बेहतरीन अंदाज में की। रोहित ने मैच के दूसरे ओवर में 2 छक्के लगाए, जहां रोहित शर्मा 2 छक्कों की सहायता से 12 रन बनाकर पग बाधा आउट हुए। 12 रनों की छोटी सी पारी में रोहित शर्मा ने पहला छक्का जड़ते ही एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 में एक छक्का जड़ते ही रोहित ने ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर 300 अंतर्राष्ट्रीय छक्के भी पूरे कर लिए। ओपनर के तौर पर 300 या उससे अधिक छक्के जड़ने वाले रोहित शर्मा पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। रोहित शर्मा को अभी तक टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन बतौर ओपनर रोहित ने 66 T20 मैचों में 65 पारियों में कुल 2034 रन बनाए और 92 छक्के भी लगाए, जबकि रोहित ने 134 वनडे मैच ओपनर के तौर पर खेले हैं, जहां उनके नाम 6719 रन हैं और 209 छक्के भी दर्ज हैं। इस तरह रोहित ने बतौर ओपनर अपने 200वें इंटरनेशनल मैच में 301 छक्कों का आंकड़ा पूरा कर लिया। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।